हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर मार्केट इंडिया यूट्यूब चैनल। में नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं। चलिए अब अपने दर्शकों की ओर बढ़ते हैं। राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं नागपुर से। राहुल जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। राहुल मेरी आवाज आ रही हो तो? जी जी पूछिए। जी सर, राहुल बोलिए। हाँ सर, सर हेलो। सवाल पूछिए राहुल, आपका क्या सवाल है? सर ये मेरे पास टाटा मोटर्स के सर 500 शेयर लिए थे सर मैंने, तकरीबन होगा कम से कम पिछले दिसंबर जनवरी में लिया था, और मेरा लॉन्ग टर्म के लिए व्यू है, कम से कम 5-6 साल के लिए होल्डिंग कर रखा मैंने। तो अभी तो इसका प्राइस तो नीचे नीचे आ रहा है, तो मुझे ये जानना था कि अभी इसको मैं कहाँ तक रख सकता हूँ। 500 शेयर लिए थे मैंने 210 के रेट से। अरे 210 में आपने लिए, 510 चल रहा है, 300 रुपए प्रॉफिट में है, आप कह रहे नीचे नीचे आ रहा है। गौरव बताइए, 300 रुपए के प्रॉफिट में बैठे फिर भी चिंता हो रही है, चिंता जायज है इनकी क्या? नहीं, बिल्कुल जायज नहीं है। यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप लंबे, अगर आपका नजरिया है 4-5 साल का, अगर व्यू है, तो 2-3 दिन की वॉलिडिटी आपको ज्यादा आपको इंडेक्स पे नहीं होना चाहिए। रही बात के इमीडिएट बेस पे कैसा लगा, तो आप ये भी देखिए कि 440 450 के लेवल से 2 बार एक स्ट्रांग बाउंस बैक दिया है, और अभी जो है स्टॉक, अगर आप डेली चार्ट देखो या वीकली चार्ट देखो, तकरीबन एक ब्रेकआउट के कगार पे वापस आ रहा है, 525-30 का ब्रेकआउट। यहाँ पे आपको फिलहाल बने रहना चाहिए। अगर इनका अगर नजरिया 5 साल का है, तो 440 का निकले स्टॉप लॉस होगा, और अगर ये होल्ड हो गया तो यहाँ से एक और परपेचुअल अप ट्रेंड आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो ये अच्छी शेयर को इसने इन्होंने लिया है और अच्छे प्राइस पे लिया है, तो यहाँ पे राइड करना बेहतर होगा, रादर देन कि आप शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी देख के अगर आप पैनिक हो, वो सही है। स्टॉक वैसा नहीं है क्योंकि काफी हैवी वेट है, बहुत ज्यादा गिरेगा भी नहीं, और सपोर्ट्स के ऊपर ट्रेड करे तो बने रहिए आप। तो ये इसमें अपने 52 वीक हाई से मात्र 26 रुपए पीछे रह गया और 100% का रिटर्न दिया इसने।